ओके मेरा नाम गजनफर अली है। मैं जीवेंटेज ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। जीवेंटेज हमारी कंपनी जो है अपोलो मेड स्किल्स के साथ एक शराकत दारी के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च की है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, जिसे MBBS के नाम से जाना जाता है। तो ये जो MBBS का प्रोग्राम है, सारे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 25 से 26 लाख बच्चे जो है नीट के एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 13 से 14 लाख बच्चे पास कर सकते हैं उसको। और उस पर बड़ी मुसीबत ये है उन बच्चों के लिए कि सारे हिंदुस्तान में 1,12,000-15,000 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये कि अगर सारे 15 लाख बच्चे 1,000 में से 1,000 मार्क्स ला भी लिए तो भी उनको सीट अवेलेबल इंडिया में नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इंडियन बच्चों के साथ है जो MBBS परसू करना चाह रहे हैं। अब उसका इलाज ये है कि बस बच्चे MBBS से हटके बी फार्मा या कोई दूसरे कोर्सेस में चले आते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 20-24 साल की अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो 50 से 60-70 हज़ार बच्चे जो है हर साल अपने इंडिया के बाहर जो ममालिक है जहाँ पे MBBS के प्रोग्राम है, जिसमें से ज्यादातर जो है बच्चे तकरीबन 80% तक बच्चे यूक्रेन और रशिया के लिए जाते। अब जहाँ पे वार चल रही, तो उस वार की वजह से, जंग की वजह से काफी सारे बच्चे वहां से वापस आ गए। अब रहे ये चाइना, फिलीपींस और दूसरे कंट्रीज ममालिक के जो कॉलेजेस है वहां पे अब ये बच्चे जा रहे, लेकिन आखिर अपोलो को क्या जरूरत पड़ी कि भाई एक प्रोग्राम ये स्टार्ट करे। तो तकरीबन 2-2.5 साल की हमारी कड़ी जो है रिसर्च और स्टडी हम लोग कंडक्ट किए जीवेंटेज ग्रुप के साथ। हम तकरीबन 11 कंट्रीज के कई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का जो है दौरा किए और वहाँ पे जाके हमने मुआयना किया, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट से मुलाकात करे, वहाँ के प्रोफेसर से बात करे, तो कुछ मतलब बड़े ताज्जुबखेज नतायज हमारे सामने आए। उसमें कुछ बड़े ज़रूरी बातें जो थे, जो 4-5 है जो मतलब काफ़ी अहमियत रखने वाले पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सिलेबस था वो सिलेबस उस मुल्क के आइन के हिसाब से ही था। एक और आपको मतलब ये जानकर खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे आला दर्जे का जो सिलेबस है वो इंडिया का है। मतलब इंडिया MBBS का जो सिलेबस है वो वर्ल्ड के अंदर इंडियन, अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा ये जो है हमारा सिलेबस जो है काफी हाई स्टैंडर्ड है और हमारे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है काफी हाई है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला क्या है कि उन कंट्रीज के अंदर यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपींस में वो ही सिलेबस है जो उनकी कंट्री का है। दूसरा, अगर वहां पे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे तो लाजमी बात है वो लोग वही सिलेबस पढ़ के वहां पे क्वालिफाई होके पढ़ाएंगे। अब जब इंडियन बच्चे जा रहे तो उनको वही दर्जे की टीचिंग भी मिल रही। एक तो सिलेबस, दूसरा प्रोफेसर जो इनको पढ़ा रहे वो प्रोफेसर्स का जो है क्वालिफिकेशन, तीसरा जो है उनकी जबान का प्रॉब्लम, क्योंकि रशिया वगैरह में इंग्लिश इनकी मादरी जबान नहीं जैसा इंडिया में अपनी है। हालांकि मादरी जबान नहीं है बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहने की वजह से हमारे जो है क्लासेस तकरीबन अंग्रेजी जबान में ही होते, तो वहां के प्रोफेसर्स की इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम। ये मोटी मोटी चीजें तो हमको ये पता चली। तो हम लोग क्या किए कि कोई ऐसी कंट्री को देखो, ऐसे मुल्क को देखो जिसके बाहमी ताल्लुकात कंट्री के साथ, इंडिया के साथ अच्छे हों, तो उसमें से और करीब हो, वहां के सिक्योर हो। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोगों ने उज्बेकिस्तान को चूज किया, जो सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है आपकी दिल्ली से। और वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हम लोग रिक्वेस्ट किए, हमारे लोकल पार्टनर हैं जारमेड यूनिवर्सिटी, हमारे पार्टनर के साथ हम मिनिस्ट्रीज को अप्रोच करें। अप्रोच करने के बाद हम ये रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा जो अपोलो मेडिकल कॉलेजेस है यहाँ पे, उनके पास जो सिलेबस है ये है जो नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस का है, तो अगर हमको इजाज़त दी जाए ये सिलेबस की तो हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो लोग उसके अंदर कुछ तरमीम करे, जैसे उज्बेक जबान है, उज्बेक तारीख है, उज्बेक कल्चर है, और उज्बेक जबान के अंदर जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, तो ये कुछ चीज़ें जो है तरमीमत करके अप्रूव कर दिए सिलेबस।
सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप दूसरे कंट्रीज जो देखेंगे, यूक्रेन रशिया वगैरह, वहां पे साल की फीस 3,500-4,000 डॉलर है, हमारी 6,000 डॉलर है। ये फर्क क्यों है कि काफी लोगों के समझ में आना मुश्किल है कि भाई हमारी फीस ये समझ रहे हैं कि अपोलो की वजह से महंगी। एक्चुअली अपोलो तो ब्रांड है ही, लेकिन महंगा इस वास्ते है कि वहां पे जो लोकल प्रोफेसर है वो इंडियन 60,000 रुपए से 70,000 रुपए की तनख्वाह के अंदर काम करने के लिए रेडी है। मतलब वो पढ़ाने का मतलब तनख्वाह ही 700 डॉलर है। अगर वही अब मैं यहाँ इंडिया से, भले अपोलो भी ना हो, किसी और MBBS MD एक 2-3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के प्रोफेसर को अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो इंडिया में रह के उन्हें 2-3 लाख रुपए ऑलरेडी कमा लेगा। मैं उसको 70,000 रुपए तो वहां पे लेके नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 2.5-3 लाख कमा रहा था, वहां पे 5 लाख तो देना है मेरे को। तो चूंकि मैं प्रोफेसर को इंडिया से हम लोग लेके जा रहे, तो स्टूडेंट और स्टूडेंट प्रोफेसर का जो रेशियो है उसको हम मेंटेन नहीं कर सक रहे अगर हम 6,000 डॉलर फीस में रखे। सर बजाय अगर हम ये वहां के लोकल प्रोफेसर ले ले, तो बासानी से हमारे को 600-700 डॉलर में मिल जा रहे। यहाँ से जो है जो लेके जा रहे 4,500-5,000 डॉलर देना पड़ रहा। तो ये एक वजह है जो दूसरे कॉलेजेस से हमारी फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन प्रोफेसर और इंडियन करिकुलम विथ अपोलो ब्रांड अगर आप देखें तो ये काफी अफोर्डेबल है। उसके बाद फीस तो आप बता फीस तो दीजिए। 6,000 डॉलर साल के है, 5 साल का कोर्स है, अरे 1 साल का इंटर्नशिप है, तो 5+1 का प्रोग्राम है। नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से 4.5 साल का एकेडमिक्स और 1 साल की इंटर्नशिप जरूरी है वो कोर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हमारा जो है 5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप, तो 6 साल का हो गया। और हम दूसरे ही साल से बच्चों को जो है अगर वापस आके वो लोग जैसा FMG या NEXT का एग्जाम है, वो एग्जाम अगर उनको पास होना है तो हम लोग उसकी कोचिंग सेकेंड ईयर से लॉन्ग टर्म देना शुरू कर दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि भाई हम MBBS उज्बेकिस्तान में कर लें, उसके बाद अमेरिका जाना है, तो USMLE की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर वो UK जाना चाह रहा तो UKMLA की ट्रेनिंग दे रहे। तो द स्टूडेंट को जो है हम एक चॉइस दे रहे हैं कि भाई आप इंडिया आना चाह रहे हैं या कोई और कंट्री को जाके अपने मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 6,000 डॉलर सालाना फी है, 6 साल का कोर्स है। और कोई सवाल है आपके? हाँ, अगर आपके बच्चे अगर फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं उस कंट्री में, पढ़ाई अच्छी है, हर चीज अच्छी है, लेकिन खाना अच्छा नहीं है, तो भी बच्चे जो है नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया से कुक्स भी लेके जा रहे हैं, बावर्चियां यहाँ से लेके जा रहे हैं, मसाले यहाँ से लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान उज़्बेक फूड है, लेकिन अब वहां पे अब खट्टी दाल तलावा गोश्त तो नहीं है कम से कम, या बिरयानी इंडिया से खरीब है, लेकिन जरा मिर्च मसालों का जो मसला है उस मसले को हम जो है फुलफिल करने के लिए यहाँ से मसाले लेके जा रहे हैं और यहाँ से बावर्चियों को भी लेके जा रहे हैं। और गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स का इंतजाम है, और इंडियन स्टाफ को ले जा रहे हैं वार्डन के लिए और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर के लिए। और एक और सहूलत हम ये दे रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट के वालिदैन उज्बेकिस्तान देखना चाह रहे तो हम उनको जो है फ्री में वीजा भी दे रहे हैं, विजिट वीजा, ताकि वो लोग आके समरकंद बुखारा के तारीखी मुकाम की जियारत भी कर ले, अपने बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी का भी मायना कर ले और कंट्री भी देख ले। तो फ्री में वीजा हम लोग पेरेंट्स को दे रहे हैं। पेरेंट्स अगर कॉन्टेक्ट